योगी सरकार ने आज अपनी सरकार का 8वां बजट पेश किया। यह बजट कुल 7,36,437.71 करोड़ रुपए का है। इस बजट में हर किसी के लिए बात हुई, किसानों को उनका हिस्सा मिला, महिलाओं के पक्ष में घोषणाएं हुई, व्यापारियों के हित में फैसले हुए। इन सब के बीच नौजवानों पर सरकार का विशेष जोर रहा। मुफ्त शिक्षा, फ्री स्मार्टफोन टैबलेट, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, डिजिटल लाइब्रेरी और रोजगार को लेकर कई घोषणाएं हुई। जिन योजनाओं की घोषणाएं हुई उसका लाभ युवा कैसे ले सकते हैं, उन योजनाओं का समाज पर क्या प्रभाव होगा, योजनाओं के लिए लागू होने पर यूपी का भविष्य क्या होगा, आइए सब कुछ एक तरफ से जानते हैं। स्मार्टफोन टैबलेट के लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पिछले साल इस योजना से करीब 25 लाख युवाओं को लाभ मिला था। इस बार भी अनुमान है कि इस योजना से इतनी ही बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा ये सब आपको आगे बताया जाएगा। योगी सरकार ने अपने बजट में बेसिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हर वर्ग में बड़े ऐलान किए हैं। 1 से लेकर 8वीं तक के लगभग 2 करोड़ बच्चों के मुफ्त स्वेटर, जूता मोजा के लिए 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। जो छात्र गरीबी रेखा से ऊपर है उनके मुफ्त ड्रेस के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सरकार ने इस साल 498 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट की व्यवस्था की है। माध्यमिक स्कूलों में जरूरी सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब के लिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 516 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नए राजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिए 5 करोड़ और इनमें छात्रावास और मिनी स्टेडियम के लिए 10 करोड़ 46 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के सैनिक स्कूल को चलाने के लिए 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने विंध्याचल धाम मंडल में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही है। इसके लिए सभी को 51 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इस वक्त डिप्लोमा स्तरीय 169 संस्थाओं में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक बनाए जाना है। इसे निकट भविष्य में पीपीपी मोड पे चलाया जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए इस बार 1862 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इन पैसों से एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसी में अल्पसंख्यक युवाओं के लिए 220 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत बदल दिया गया है। नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ दिया है। इसके लिए 58 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च किए गए। कौशल विकास योजना के तहत 4 लाख युवाओं को नौकरी का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। 13,000 युवाओं को अलग अलग कंपनियों में काम करने का मौका मिला है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताई। 7,418 लोगों को रोजगार भी दिलवाया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 4,08,000 रोजगार का दावा किया गया है।